नमस्कार, आप देख रहे हैं आज भट न्यूज। खबर सुपौल से है। जमीनी विवाद को लेकर बेखौफ अपराधियों ने गोली चलाकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसका इलाज चल रहा है। बता दें कि सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र के डपरखा पंचायत वार्ड नंबर 3 में इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित राजीव यादव ने क्या कुछ बताया, देखें इस रिपोर्ट में। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। क्या मामला हुआ इसके साथ? जमीनी मामला है जी, जमीन का मामला है। जमीनी मामला है। कुंजी से मारा है इसको? गोली से। गोली मारा है। थाना में एफआईआर किए हैं? हाँ किया है। तो क्या लगता है आपको कि मारने के इरादा से आया था या इसे डराने धमकाने की वजह से? मारने के इरादा से आया था। अच्छा, क्या नाम, घर क्या हुआ आपका? कुशा। कुशा। कुशा, वार्ड नंबर 15। कौन सा प्रखंड पड़ता है? त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज। और किसी को चोट वोट लगा है? नहीं, इसी को गोली। किसी को गोली लगा है? एफआईआर किया थाना में? क्या बोले थाना? अभी लिया है, अभी लोग को गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, अभी कोई सुनवाई नहीं किया है। कौन मारा उसका, क्या नाम है? अरविंदर यादव। और भाई तीन आदमी था, लेकिन दो आदमी। कहाँ का रहने वाला है? डपरखा का। डपरखा का ही रहने वाला है। कितना नंबर वार्ड? 3 नंबर वार्ड। अपना नाम बताएं सर। राजीव कुमार। क्या मामला हुआ आपके साथ? सर हम दरवाजे पर बैठे हुए थे, उधर से वो आया मोटरसाइकिल से तीन आदमी, गाली गलौज करने लगा, इसी को बोले जाइए आप अपना घर। तो कौन आया, कौन, क्या नाम था उसका? अमरेंद्र यादव। और दो आदमी था उसको मेरे पास। उसका क्या नाम है? किसका सर? और तीन आदमी था, क्या नाम था? दो आदमी को नहीं पहचाने। अच्छा, दो आदमी को नहीं पहचानते। कोई विवाद था आपसे क्या? जमीन विवाद था पहले से। जमीनी विवाद है जी। क्या हुआ आपको, कौन चीज से मार लिया लोग? सर गोली आया, आज बोले घर जाइए, तो अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, उसी के दौरान एक गोली यहाँ पे सर आपके जांग में लगा, एक गोली जी। कब की घटना है, कितने बजे? कल रात लगभग 10 बजे। घर का आपका? त्रिवेणीगंज डपरखा, वार्ड नंबर 3। थाना कौन सा पड़ता? त्रिवेणीगंज।